तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी। और ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी पे आपका भाई रोहित मल्होत्रा एक ऐसी ट्रेंड करती हुई प्रॉपर्टी लेके आया जो कि मिलने वाली पश्चिम बिहार में। पश्चिम बिहार में 300 गज की प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए हम लेके आ चुके हैं। फ्लोर कौन से मिलेंगे उसमें बता दो। आपको फ्लोर मिलने वाले इस वाली प्रॉपर्टी में, आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दो फ्लोर आपको दे रहे हैं। और भाई साहब, थ्री साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी और लोकेशन तो भाई दिमाग घुमा देगी। ऐसा दिमाग घुमा देने वाली प्रॉपर्टी आपके लिए हम लोग लेके आते रहते हैं। सबसे पहले कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है ना, ये आपके काम की भी हो सकती है और आपके किसी फ्रेंड और फैमिली के काम की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी ना आपने देखी है ना दिखाई है हमने आज तक। ऐसी प्रॉपर्टी लाए आपके लिए। तो बता दो प्रॉपर्टी में हम खड़े कहाँ पे खड़े, आपके लिविंग एरिया में। बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रॉपर्टी है। इससे पहले कि मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करूँ, उससे पहले आप देख लो सिनेमेटिक शॉट जो लिए कार्तिक ने बहुत प्यार से। इस बार ये जबरदस्त प्रॉपर्टी आपके लिए हम लेके आ चुके हैं। आपके लिए नई नई चीजें तो लाते रहते हैं, इस बार जो लाया ना कुछ अलग ले आए हैं। जहाँ खड़े हैं हम खड़े हैं वो 300 गज की प्रॉपर्टी जो कि होने वाली है आपकी, और इसमें जो फ्लोर मिल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, और थ्री साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी 300 गज की है। और कहाँ मिलेगी पश्चिम बिहार में। लोकेशन बहुत बढ़िया मिलेगी, प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया मिलेगी, ये मैं लिख के देता हूँ। और क्या बताऊँ आपको, थ्री साइड कॉर्नर है तो भर भर के वेंटिलेशन मिलेगा। तो चलो बताते हैं छोटा सा लेआउट, पहले आपको बता देते हैं कि हम खड़े कहाँ। हम खड़े लिविंग एरिया में, काफी बड़ा वाइड सा लिविंग एरिया मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं काफी बड़ा मिल जाएगा। मेरी बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे दो रूम जो क्या आएंगे, फर्स्ट और सेकंड बेडरूम। और उसके बाद में आपके इस तरफ आ जाते हैं, जैसे आप थोड़ा सा घूमते हैं तो आपकी इस तरफ आ जाते हैं सेकंड और थर्ड फोर्थ बेडरूम, और उसके बाद आ जाती है आपकी किचन। तो आप देखोगे कि आपका जो लेआउट मिल रहा है इस वाले घर का बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से, क्योंकि ना अंदर आने से पहले कई लोग ना अंदर आने से पहले घर के बाहर मंदिर क्रिएट करते हैं। तो हमने आपके लिए स्पेस दे दिया मंदिर का, तो काफी अच्छा मंदिर का स्पेस मिल जाएगा। देख सकते हैं काफी बड़ा वाइड मिलने वाला आपको मंदिर। साथ में हमने एक साथ में वॉशरूम भी क्रिएट किया है, ताकि पूजा घर भी रहे। और पूजा घर में आप लोग अगर चाहें तो उसे साफ सफाई भी रख सकते हैं। ये मिल जाएगी आपको ओटिस की लिफ्ट मिलने वाली है। और अगर हम बात करें डोर की, तो डोर देख सकते हैं काफी अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा मिल रहा है आपको। और सेटअप की बात करते हैं बहुत अच्छा, और हमारे इस बार की बिल्डर की बात करते हैं बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। नीचे मिल रही है आपको इटालियन फ्लोरिंग, आप देख सकते हैं काफी अच्छी आपको ब्राउन शेड के अंदर मिल जाएगी, ग्रेइश फील के साथ में मिलने वाली है आपको। नीचे की जो फ्लोरिंग आ रही है काफी प्यारी सी सुंदर से मिलने वाली है। और ऊपर देख सकते हैं पीओपी वर्क, काफी डिसेंट सा पीओपी वर्क दिया है इस बार लिविंग एरिया में। आप देखिए कितना प्यारा डिसेंट सा लिविंग एरिया में आपको मिल रहा है पीओपी वर्क, काफी शानदार चीज मिल रही है। और थ्री साइड कॉर्नर है तो हम दिखा रहे हैं आपको, देखो कितनी अच्छी वेंटिलेशन के लिए हमने जगह छोड़ी है। हर एक जगह आपको खिड़की खिड़की मिलेगी, मतलब आपको धूप की तो कमी होने नहीं वाली घर के अंदर। और अगर बात करें आपकी राइट साइड पे, तो यहाँ पे घर के बाहर आपको लोकेशन में पार्क भी मिल जाएगा, काफी अच्छा सा डिफेंस का पार्क मिल जाएगा। और हमारी तरफ से एक बड़ा सा एलसीडी पैनल तो आ ही रहा है, वुडवर्क भी काफी अच्छा किया हुआ मिल रहा है। तो अगर हम चलते हैं आगे, तो बहुत ही प्यारी सी चीज मिल जाएगी, जैसे आपका किचन आ रहा है। किचन को डिस्क्राइब करेंगे सबसे आखिर में। इस बार हम चलते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आ जाते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम काफी बड़ा मिल जाएगा आपको, वाइट मिल जाएगा। और बेडरूम के अंदर जो आपको मिलेगा, नीचे मिलेगी इटालियन फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कलर कॉम्बिनेशन पूरे घर के अंदर सेम चल रहा है, ग्रेइश फील में देगा, हल्का सा ब्राउन शेड देगा। और आप देख सकते हैं वार्डरूम आ जाएगा। वार्डरूम का देखो कलर कॉम्बिनेशन जो मिलेगा ना, एलसीडी पैनल के साथ में मैच कर रहे हैं, बड़ी कंट्रास्ट में कुछ खेल रहे हैं। वार्डरूम के साइज की बात करते हैं तो काफी बड़े मिल जाएंगे आपको, अच्छे साइज में वार्डरूम मिलने वाले हैं। आप अपने बेड को लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 7 फुटा बेड भी लगा सकते हैं, 6 फुटा भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी वर्किंग रह रही है, एलसीडी पैनल आप देख सकते हैं वुडन में दिए गए हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे आपके पास में स्पेस छोड़ा ड्रेसिंग के लिए, आपकी लेडीज के लिए हमने ड्रेसिंग का स्पेस छोड़ा। और फिर वही बात कहूंगा मैं आपको कि ड्रेसिंग स्पेस अच्छी बनाने के बाद में भी हमने वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी है, बैक साइड से भी खिड़की मिल जाती है आपको अगर आप देखें तो चीज काफी अच्छी। और साथ में अटैच मिलता वॉशरूम, भाई वॉशरूम की तो मैं क्या ही बोलूं आपको।
इतना प्यारा और यूनिक वॉशरूम मिलेगा आपको, इसमें जो सारे के सारे आपको जितनी भी आइटम मिल रही है, जितनी भी आपको सैनिटरी फिटिंग मिल रही है, सारी की सारी कूलर की मिल रही है, आप देख सकते हैं अच्छी मिलने वाली है आपको फिटिंग जितनी भी मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिरर पार्टीशन मिल जाएगा वॉशरूम में, मिल रहा है आपको मिरर पार्टीशन काफी अच्छा, देख सकते हैं आप किस तरह से मिलने वाला है। और हम एक और चीज दिखाते हैं आपको, इतना बढ़िया सा सेटअप हमने दिया है, ये पूरा का पूरा मिल रहा है आपको जगुआर का, ये देखने वाली चीज है, आप आओ आराम से देखो इस चीज को, और बहुत ही प्यारा सेटअप मिलेगा आपको। जगुआर की फिटिंग है पूरी की पूरी, बहुत बढ़िया डिसेंट सी प्रॉपर्टी मिल रही है इस बारी। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर आपको और क्या चीजें मिलेंगी, लाइट्स मिलेंगी, एलसीडी पैनल के लिए आपको सिचुएशन मिलेंगी काफी अच्छी अच्छी, एसी की फिटिंग सारी की सारी मिलने वाली है आपको इसके अंदर। आप अगर देखेंगे आप लिविंग एरिया में खड़े तो दो एसी का स्पेस होना चाहिए, तो दो एसी का स्पेस मिल जाएगा आपको, और आपका एलसीडी पैनल काफी बड़ा मिलने वाला है, तो काफी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आती है। आते सेकंड बेडरूम की तरफ, सेकंड बेडरूम भी आपका काफी बड़ा और यूनिक सा मिलेगा, डिफरेंट सा मिलेगा, और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास में खिड़की तो जरूर मिलेगी, तो हमने इसमें विंडो जरूर दी है आपको, यूपीवीसी की फिटिंग के साथ में खिड़की मिल रही है आपको, आप देख सकते हैं। तो आपके पास में घर में धूप तो रहने वाली है भर भर के, थ्री साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो चीजें काफी अच्छी मिल जाएंगी। उसके अलावा नीचे मिलेगा इटालियन फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो अच्छा मिलेगा, पूरे घर में सेम सेटअप चल रहा है, रूम का साइज काफी बड़ा मिलने वाला है, एलसीडी पैनल आप देखोगे काफी डिसेंट मिल जाएगा आपको, ब्राउन शेड के अंदर काफी बढ़िया सा प्यारा सा मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारे पास में आपका वार्डरोब का कलर कॉम्बिनेशन भी आपको कंट्रास्ट में मिलेगा, और जो इसमें लगी हुई है लाइट्स लगी हुई है सेंसर लाइट के साथ में खुलता है ये वाला वार्डरोब का डिजाइन भी बड़ा अच्छा मिल जाएगा। उसके अलावा इसके साथ में आपके पास में जो आता है वो आता है ड्रेसिंग टेबल, इस साइड से आ जाएगा ड्रेसिंग टेबल, तो हमारे पास में जो आ रहा है इसके साथ अटैच वॉशरूम प्लस ड्रेसिंग टेबल आ रहा है। ड्रेसिंग टेबल का कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, इसमें आपका मिरर एक आ जाएगा काफी बढ़िया से रहने वाला है। और हम बात कर रहे हैं वॉशरूम की, तो वॉशरूम में सारी की सारी फिटिंग सारी ब्रांडेड ही आने वाली है, कोलर की ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ में आपको मिलेगा वॉशरूम में, फिर से वही मिरर पार्टीशन भी मिलेगा आपको, और फिटिंग सारी अच्छी मिलने वाली है। गीजर एग्जॉस्ट हमारी तरफ से मिलेगा इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको, आप देख सकते हैं काफी अच्छा मिरर पार्टीशन के साथ में आ जाएगी ये वाली चीज। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे आपके सेकंड बेडरूम से थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि रहने वाला लिविंग एरिया से होते हुए आगे की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा बड़ा बेडरूम साइज मिलेगा, काफी अच्छा बड़ा लिविंग एरिया मिलेगा आपको, तो आ जाते हैं आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम, थर्ड बेडरूम साइज बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा और बहुत ही सही चीज मिलने वाली है आपको। अगर आपको सही बताऊं तो जो रूम साइज की बात करो काफी अच्छा मिल जाएगा, यूनिक सा मिलेगा, इसके अंदर आपको मिरर फिर रहेगा क्योंकि वेंटिलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। और आप अब देखोगे वार्डरूम हमने अब तक आपको दिए थे फोर पार्टीशन वाले, अभी आ जाते हैं सिक्स पार्टीशन के साथ में, और इसका कलर कॉम्बिनेशन तो भाई कमाल है, चाबी लगा लो आप देख सकते हो, ऊपर देखोगे आपको सेंसर लाइट के साथ में मिलने वाला, और इसके कलर कॉम्बिनेशन की तो क्या ही बोले, अच्छा रहेगा फील देख सकते हो आप, एलसीडी पैनल की फील जो आ रही है वही सेम आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपके वार्डरोब पे। और अगर हम बात करें पीओपी की तो यार बहुत ही डिसेंट से वर्क मिलने वाले, पीओपी वर्क काफी डिसेंट सा पीओपी वर्क मिलेगा, और नीचे मिल जाएगा इटालियन फ्लोरिंग, कलर कॉम्बिनेशन पूरे घर के अंदर मैच करता हुआ भाई। इसके साथ में अटैच वॉशरूम, वॉशरूम डिफरेंट ही मिलेगा, हर वॉशरूम डिफरेंट मिलेगा, तो ये वॉशरूम भी डिफरेंट मिलेगा। आ जाओ आप अगर इस वॉशरूम के अंदर आ गए और आपको लगेगा आप किसी होटल के वॉशरूम में ही हो, क्योंकि घर ही आपका ऐसा बना दिया होटल वाला, आप देख सकते हो पार्टीशन मिलेगा, मिरर का पार्टीशन आपके पास में आ रहा है, फिटिंग सारी ब्रांडेड आने वाली है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे सीट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने स्पेस काफी अच्छा छोड़ दिया, आप चाहो तो यहीं पे ड्रेसिंग क्रिएट करवा सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे कोई डिजाइनर कोई चीज प्ले कर सकते हो। अंदर की तरफ आते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में आपका बेसन, तो डिजाइन जो किया काफी अच्छा किया है, एग्जॉस्ट आपको मिलेगा, गीजर हमारी तरफ से मिलेगा, और इसके साथ साथ चलते हैं आपकी बालकनी में, तो यहीं से आपका बालकनी का आ जाता है, फिर आप बालकनी में पहुंच जाते हैं, बालकनी साइड देखेंगे काफी बड़ी बालकनी साइड मिल जाएगी आपको। और अगर बाहर की बात करोगे ना तो बाहर का रोड साइड देखो व्यू काफी अच्छा, बड़ा सा व्यू मिल जाएगा आपको, बालकनी साइड काफी अच्छा मिलेगा, रोड साइड का व्यू बड़ा अच्छा मिलेगा, ग्रीनरी के पास में मिलने वाला आपको घर, हम खड़े फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत अच्छा प्यारा सा फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा, और कॉम्बिनेशन जो आएंगे ना कलर कॉम्बिनेशन घर के बहुत अच्छा आ रहा है, अंदर का जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। आते हैं यूपीवीसी की फिटिंग से जैसे अंदर की तरफ से आता है आपका फोर्थ बेडरूम,
ये भी बालकनी से अटैच है, तो दो बेडरूम आपके बालकनी से अटैच है, पर वेंटिलेशन के लिए पूरे घर में खिड़की खिड़कियां भर के दे दी हमने। फ्लोरिंग अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया से मिल जाएगी आपको, और जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, ग्रेइश ब्राउन थोड़ा सा फील आ रहा है, और आप देखो एलसीडी पैनल, काफी बड़ा सा एलसीडी पैनल मिल जाएगा आपको, और इसमें जो वर्किंग की गई है टाइल्स प्लस मार्बल का यूज किया गया और वुडन का यूज किया गया, तो काफी बड़ा सा आप टीवी लगा सकते हो। और उसके बाद में अगर हम बात करें एसी फिटिंग्स तो मिल ही रही है आपको, यूपीवीसी की फिटिंग मिल रही है जिसमें मैट भी यूज हो रहा है। अगर वेंटिलेशन के लिए आपको मैट खोलना तो मैट भी रहने वाला है यहाँ पे, तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और वार्डरोब की बात करें, वार्डरोब भी फिर आपको फोर सेक्शन मिल रहा है ये वाला वार्डरोब, तो फोर सेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा और सेंसर लाइट के साथ में मिल जाएगा। उसके बाद में मिलता अटैच वॉशरूम, हर बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम मिल रहा है भाई, ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी। 4 BHK की प्रॉपर्टी आ रही है, 300 गज की प्रॉपर्टी आ रही है, 3 साइड कॉलर की आ रही है, एग्जॉस्ट हमारी तरफ से मिलेगा आपको, गीजर हमारी तरफ से मिलेगा, सब कुछ हमारी तरफ से मिलेगा, जो फिटिंग आएगी सारी की सारी फ्रेंडली आएगी। ऐसी प्रॉपर्टी ना मिली होगी ना देखी होगी आपने, तो शानदार प्रॉपर्टी है। आदत है आपके इधर से ही होते हुए लिविंग एरिया में, ये स्पेस भी काफी अच्छा, अगर आप चाहो तो वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन क्रिएट कर सकते हो और बहुत अच्छी लगेगी वॉल। थोड़ा बहुत डिजाइनर वर्क करवाओगे ना आप तो प्रॉपर्टी में जान आ जाएगी और इससे ज्यादा जान आ जाएगी। तो इसके बाद रह जाती है हमारे पास में किचन, अब हमने जाना किचन की तरफ और किचन का स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा, तो चलते हैं आपकी किचन की तरफ। तो आ जाते हैं आपके घर के होने वाली किचन में, तो किचन साइज काफी बड़ा वाइड मिल जाएगा, आप देख सकते हो मेरा हाथ पूरा का पूरा आराम से घूम रहा है, तो स्पेस काफी अच्छी मिल जाएगी किचन में, 2 से 3 लेडीज आराम से वर्किंग कर सकती है, आपकी मेड भी आराम से काम कर सकती है। फ्रिज का साइज देखो, कितना ही बड़ा फ्रिज लगा लो आप, बड़े फ्रिज वाला स्पेस मिल जाएगा आपको। इसके बाद में यहाँ पे मिल जाता है पेंट्री स्पेस, पेंट्री स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ना, जितने भी हमारे ड्रॉर्स आ रहे हैं सारे हाइड्रोलिक ही मिलेंगे आपको, जितने भी मिलेंगे सारे के सारे सॉफ्ट टच ही मिलने वाले हैं। उसके अलावा स्पेस काफी अच्छी यूज की गई है, अगर आप देखेंगे तो स्पेस के लिए हमने जगह नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छी जगह बना दी है, स्पेस ही स्पेस कर दी है। आपके माइक्रोवेव वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा आपके पास में, यहाँ पे चिमनी लग के मिलेगी आपको, हॉब लग के मिलेगा। और इसके अलावा हमने जैसे होता है कि काम के लिए बर्तन वगैरह पीछे धोने हैं, तो पीछे धोने के लिए स्पेस अलग से बना दी गई है, यहीं पे आपकी वर्किंग हो जाएगी बर्तन वगैरह धोने के लिए। और पीछे भी वेंटिलेशन की कमी ना रहे किचन से, आप अगर चाहो तो स्पेस इसको यूपीवीसी की फिटिंग खोल सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको विंडो दे दी गई है ताकि आपके पास में वेंटिलेशन की कमी ना रहे, भर भर के वेंटिलेशन मिल जाएगी आपको पूरे इस घर के अंदर। और अगर इसके आर्किंग अमाउंट की बात करते हो, तो आर्किंग अमाउंट के लिए आप मुझे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हमारे पास में 2 फ्लोर अवेलेबल है, 300 गज के ऐसे फ्लोर नहीं मिलेंगे आपको, ना ही मिल पाएंगे कहीं पे। ऐसी प्रॉपर्टी आपके लिए हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, 3 साइड कॉर्नर की 300 गज की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मिलेगी, दिमाग घुमा देने वाली प्रॉपर्टी सिर्फ हम ही ढूंढते हैं आप लोगों के लिए। पश्चिम बिहार में आप हमें कॉल कर सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ऐसी प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी, हमारे अलावा हमारे चैनल पे कोई नहीं देगा। 300 गज की प्रॉपर्टी है भाई, 300 गज की प्रॉपर्टी, तो फटाफट से दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर लो, और हमारी मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब वाला बटन जो नीचे ने दबाओ पहले, थैंक यू। तो हमारी मोटिवेशन के लिए लाइक भी करते जाना, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी कमी निकलती है और ये निकाली आपके लिए हमने चुन के। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।